कार्य हूँ। डालो सारे प्रारंभ करो। द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्यवत्सम उपध्यापयेते हरिः अन्यस्याम भवति स्वधावान् शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चाः। मंत्रार्थ, द्वे दो विरूपे विशेष रूप वाले स्वर्थे सुंदर रूप सुंदर अर्थ में चरतः विचरण करती हैं अन्यान्य वत्सम बोलने वाले को उपधापयेते निकट पोषण करती हैं अन्यस्याम अन्य में हरि ही हरणशील प्रेरक स्वधावान स्वयं धारणा युक्त भवती होता है अन्यस्याम अन्य में शुक्रो पवित्र कर्ता शीघ्रकारी सुवर्चा सुंदर प्रकाशमान तेजस्वी तद्दृशे दिखता है देखता है। भावार्थ, प्रकृति की शक्तियाँ हो या परिवार में माताएं अथवा समाज में हितकारी संस्थाएं, सभी के रूप तो अलग-अलग होते हैं, परंतु सभी अच्छे उद्देश्य से ही कार्य करने का प्रयास करती हैं। उनके प्रयासों के अनुरूप सुंदर परिणाम भी मिलते हैं। किसी के वत्स अर्थात साथ बोलने वाले स्वधावान हरि बनते हैं, अर्थात आत्म तत्व को धारण करने वाले मनोहारी स्वभाव वाले कष्ट हरण करने वाले होते हैं, तथा अन्य के प्रयासों से शुक्र सुवर्चा अर्थात पवित्र कर्ता सुंदर तेजोमय लोक तैयार होते हैं। धात्वादि निरुक्त, द्वे संख्या विरूपे वी उपसर्ग रूप आकार बनाना रचना करना रूप बनाना स्वर्थे सु उपसर्ग अर्थ याचना करना चाहना चरतः चर चलना विचरण करना अन्यान्या सर्वनाम वत्सम वद बोलना उप उपसर्ग धापयेते धा धारण करना पोषण करना रक्षा करना दान करना अन्यस्याम सर्वनाम हरि ही हरि हरण करना ले जाना स्वधावान स्व सर्वनाम धा धारण करना पोषण करना रक्षा करना दान करना भवती भू होना शुक्रो सुख जाना शुच शुद्ध करना शुद्ध होना पवित्र होना सुवर्चा सु उपसर्ग वर्च प्रकाशित होना तदृशे दृश्य देखना। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 5। ओम द्वे विरूपे चरता स्वरते अन्यान्या वत्सम उपधापयेते हरि ही अन्यस्याम भवति स्वधावान शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चा। द्वे विरूपे, दो विशेष रूप वाले, द्वे तो संख्या है, दो स्पष्ट है, विरूपे भी विशेष, रूपे रूप विशेष रूप वाले, दो विशेष रूप वाले चरता चरते हैं चलते हैं विचरण करते हैं, ये चर धातु चलना। द्वे विरूपे चरता, दो विशेष रूप वाले विचरण करते हैं स्वरथे सु अर्थे सु सुंदर उत्तम अर्थे अर्थ में या द्वे विरूपे द्विवचन में है, चरता क्रिया है यह भी द्विवचन में है, उसी क्रम में ये स्वरथे भी द्विवचन में हो सकता है, अर्थात ये स्वरथे ये द्वे विरूपे के साथ ही उसी का विशेषण हो सकता है।
अच्छे अर्थ वाले विशेष रूप वाले विचरण करते हैं, अन्यान्या अन्य अन्या अन्य अन्य हम लोग उस समय कह सकते हैं अन्य अन्य, इसमें संधि हो गई है बस और कुछ नहीं है, अन्य अन्य वत्सम वत्स को, वत्सम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन वत्स को, ये विचरण करने वाले तो दो थे। इसमें जो ध्यान देने समझने की बात होती है वो ये होती है, द्वे विरूपे दो विशेष रूप वाले चरता विचरण करते हैं, ये चरता क्रिया भी द्विवचन में है, स्वरथे सुंदर अर्थ में सुंदर अर्थ वाले ये द्विवचन में है, अन्य 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 वत्सम वत्स को यह एक वचन में, कर्ता द्विवचन में है, कर्म एक वचन में, करने वाले दो हैं और जिसको जिसके लिए कुछ कर रहे हैं वो एक है, वत्सम वह वत्स है एक है, वत्स क्या है इसको समझेंगे। वद धातु का अर्थ बोलना है तो वद धातु से वत्स शब्द की निष्पत्ति मानेंगे तो वत्सम का अर्थ बोलने वाले को कह सकते हैं, इसमें वाणी के सामर्थ्य है वो वत्स हो सकता है। लौकिक भाषा में वत्स माता पिता अपने बच्चों के लिए कहते हैं, गुरु आचार्य अपने शिष्यों को वत्स कहते हैं, ये संबोधन बहुत प्रचलित है। कह सकते हैं एक शिशु जब कुछ बोलना प्रारंभ करता है, जब वो संवाद करने की स्थिति में आता है तो उसकी संज्ञा उसका नाम उसकी पहचान वत्स हो गई। बच्चा जब कुछ बोलने लगा, वत्स हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो बेटे बोलो, इस अर्थ में वत्स का प्रयोग हुआ होगा ये अनुमान किया जा सकता है। ये मत पूछिएगा ये किस शास्त्र में लिखा है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो वद धातु से वत्स का अर्थ बोलने से लिया तो लौकिक में यह अर्थ प्रचलित है, बच्चों के लिए बड़े वत्स कहते हैं शुभकामना आशीर्वाद देते हुए संबोधित करते हुए, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो वत्स बोलने लगे और उसके बाद जैसा कि होता है लोक में योग रूढ़ हो गया, इसको योग रूढ़ अर्थ कहते हैं। संबोधन नाम जो दिया गया वो तो धातु अर्थ के अनुसार ही था, फिर वो एक प्रकार से रूढ़ हो गया कि अब वत्स बच्चे को कहने लगे, अब गाय के बच्चे को भी वत्स कहने लगे, उस वत्स का अभ्रंश बछड़ा हो गया इस समय, अभ्रंश है वो बिगड़ा हुआ रूप है, संस्कृत में वैदिक भाषा में वत्स ही कहा जा रहा है। अभी कह रहे वत्सम वत्स को, बच्चे को यदि ये भावार्थ लेना चाहे भावार्थ ले सकते हैं, शब्दार्थ तो होगा बोलने वाले को, इसे नहीं बदला जा सकता, तो अपने बोलने वाले बच्चे के लिए ऐसा आया है ये कोई भावार्थ ले सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति कोई अन्य भावार्थ ले सकता है, तो भावार्थ तो अपना अपना ग्रहण कर सकते हैं, शब्दार्थ एक ही रहेगा वो कभी नहीं बदलेगा बोलने वाले को। उप धाप ये ते, उप समीप धाप ये ते, दौड़ते हैं भागते हैं, धा धातु का धारण करना सामान्यता प्रतीत होता है, तो कह सकते हैं वो दोनों उसे धारण करते हैं। अब हमारा जो वेद भाष्य का कह सकते हैं एक विधि शैली विकसित हुई है वो यही है, अब धाप येते में धातु तो धा ही होगी,
धारण करना, पोषण करना, रक्षण करना, दान करना, ये धा धातु के अर्थ है। तो धाप ये थे यह भी क्रिया है और द्विवचन में है, ये ध्यान देने की बात। क्योंकि कर्ता जो थे वे द्विवचन में है, दो हैं, द्वे विरूपे स्वर्थे, ये द्विवचन के कर्ता कारक हैं, कर्ता कारक द्विवचन में। इनके साथ जो क्रिया आई चरता, यह अन्य पुरुष द्विवचन की क्रिया है, करने वाले दो, जिसके जिसको लक्ष्य में लेकर, जिसको दृष्टगत रखकर कर रहे हैं, वो वत्स एक वचन में है। क्या करते हैं, वत्सम उपधापयेते, उस वत्स को उपसमीप धापयेते, धारण करते हैं। अब इसका एक सहज स्वाभाविक भावार्थ ये आ रहा है, जिसको ग्रहण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कि चूंकि धारण करने वाले चरता, विचरण करने वाले द्विवचन में, धापयेते धारण करने वाले द्विवचन में वे विचरण करते हैं और धारण करते हैं, ये द्विवचन में सारी संज्ञाएं कर्ता कारक द्विवचन में, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता। लेकिन ये भावार्थ हुआ, ध्यान रखें, इसमें कहीं माता पिता नहीं आया है। मंत्र में क्या कहा गया है, द्वे दो। अब ये दो कौन हैं, इसका भावार्थ यहाँ पर माता पिता ग्रहण कर सकते हैं। वत्स को जैसे बच्चे के अर्थ में सदैव ये कहें कि लौकिक में तो लिया ही जाने लगा है, यदि मान लें कि वैदिक काल में भी इसको इस भावार्थ में लिया जा रहा था, तो ये भावार्थ ले सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, तो जो कहा गया है द्वे विरूपे। अब माता पिता है तो ये द्वे विरूपे विशेष रूप वाले कहा गया है, क्यों कहा गया है, विचरण करते हैं ठीक है, स्वर्थे उत्तम अर्थ में, उत्तम अर्थ के लिए ठीक है, ये विशेष रूप वाले माता पिता तो जो है जैसे हैं सभी के, चाहे हमारे हों या पशुओं के हों, किसी के हों, वे विरूपे विशेष रूप वाले क्यों कहा गया है, यह विचारणी हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि यहां पर भावार्थ निकालने, इन सब प्रश्नों का हल करने, अनुमान करने का अधिकार सभी को है। इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक विद्वान आचार्य ने कुछ कह दिया और उसे अंतिम सत्य मान लिया जाए। हमारा परिश्रम प्रयास यही है कि सभी लोग जागृत चेतन होकर स्वयं उस वेद मंत्र के भाव को समझने में परिश्रम करें, तब उस सत्य को जान पाएंगे। लकीर पीटने से वेद समझ में नहीं आएगा। आगे देखें, हो सकता है इस समस्या का कुछ समाधान इस मंत्र में मिले, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही अनुमान करेंगे। कहते हैं हरि ही, हरि ही हरण करने वाला, यह एक वचन में आ गया। अभी जो कर्ता थे द्विवचन में थे, ये हरि कर्ता कारक एक वचन है, एक नया कर्ता मिला, वो एक ही है, एक वचन में है, हरि ही हरणशील हरण करने वाला। अन्नस्याम अन्य में, अन्य सर्वनाम में आता है, तो अन्य में भवति होता है एक वचन की क्रिया, हरि एक वचन में है तो उसके साथ भवति क्रिया भी एक वचन में है। स्वधावान स्वधा युक्त, स्व अपना धा धारण करना, स्वयं को धारण करने की सामर्थ्य से युक्त स्वधावान कौन, हरि ही हरण करने वाला। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, शुक्रो, शुक्र शुच धातु से शुक्र शब्द बन सकता है, पवित्र पवित्र करने वाला, और सुख धातु भी है जिसका अर्थ गति करना, चलना जाना भी होता है। शुच धातु का अर्थ तो शुद्ध करना, पवित्र करना स्पष्ट है, शुच शुचिता से हम लोग परिचित हैं। सुख धातु का अर्थ गति करना, जानना, ये भी होता है।
तो शुक्रों में दोनों गुण मान सकते हैं, गतिशील है, प्रगतिशील है, पवित्र है, पवित्र करने वाला है, वह शुक्र है। अन्न श्याम अन्य में दंद्र से देखता है, ये भी एक वचन में क्रिया आई। सुवरचाह, सु उत्तम और वरचाह, वर्च का अर्थ है प्रकाशित होना, प्रकाश होना। सुवरचाह सुंदर प्रकाश को इस मंत्र के दो भाग हैं, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य बिल्कुल अलग-अलग अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले कहा गया द्वे विरूपे चरता स्वरथे, दो विशेष रूप वाले सुंदर अर्थ के लिए विचरण करते हैं। वे क्या करते हैं? अन्य अन्य वत्स को, वो तो दो हैं और एक वत्स है बोलने वाला, वाणी के गुण से संपन्न, उपधापयेते, उसे अपने समीप धारण करते हैं। अब ये द्वे क्या हैं, ये दो कौन हैं, इस मंत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। पुनः हम कहते हैं ये अनुमान आप लगा सकते हैं, वे दो माता पिता हैं। वत्स का अर्थ अपने बच्चे को कह सकते हैं, आचार्य आचार्या कह सकते हैं, वे अपने शिष्य को वत्स कहते हैं। ये अनुमान लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई अन्य प्रकृति आदि को देख करके भी इस प्रकार से कुछ कह सकता है, द्यावा पृथ्वी या अन्य जो कुछ भी है, तो वो अनंत विधा है। शब्दार्थ निश्चित है, शब्दार्थ नहीं परिवर्तित हो सकता है, उस शब्दार्थ के अनुकूल भावार्थ अलग अलग विद्वान ग्रहण कर सकते हैं। उनमें किसी भी विद्वान के भावार्थ को आप सत्य या असत्य न माने, उन सब को स्वाध्याय विचार करते हुए अपना भावार्थ समझने का प्रयास करें, ये हमारा निवेदन होता है। उसके पश्चात दूसरे भाग में मंत्र ने कहा कर्ता हरि ही एक वचन में आ गया। वह हरि कैसा है? वह स्वधावान है, वह स्वयं को धारण करने की सामर्थ्य से युक्त है, वह गतिशील है, पवित्र करता है। अन्यस्याम भवति, अन्य में होता है, कहते हैं हरि अन्यस्याम भवत सुधावान, वह हरि हरणशील, हरण करता, अन्य में स्वयं को धारण करने वाला होता है। वो तो हरि तो जो कुछ है हरणशील है, सब कुछ हरण कर सकता है, हमारे दुख हरण कर सकता है, या अन्य भी जो कुछ वो चाहे हरण कर सकता है। वह सुधावान है, स्वयं को धारण करने वाला है, अन्य में होता है। और वह कैसा है कि वह शुक्र गतिशील पवित्र है, पवित्र करने वाला है। वह अन्य में दद्र से देखता है, सुवरचाह सुंदर प्रकाश को देखता है। अब हरि सबके दुखों का हरण करने वाला परमेश्वर हो सकता है, उसके उपासक हो सकते हैं, कोई उसका उत्तम उपासक हो सकता है, समाज का कोई अग्रणी सज्जन देवजन हो सकता है। ये सभी अर्थ इसमें समाहित हैं, इसीलिए हम निरंतर कहते हैं अनंता वह वेदा, वेद मंत्रों के अर्थ अनंत हैं, उसे किसी एक अर्थ किसी एक भाष से सीमित ना करें। जिन्होंने ये कार्य किया है उन्होंने अनुभव किया होगा, यदि मैं चाहूं कि इसके जितने अर्थ तो फिर उसको क्रय करने और स्वाध्याय करने वाले कहां कैसे मिलेंगे? महर्षि दयानंद जी ने जो वेद भाष्य किया, मूलतः तो उन्होंने संस्कृत पदार्थ
की कि उनके अनुयायियों ने, सहायकों ने एक पदार्थ अन्वय भाव विशेष गुरुकुलों के कुछ बहुत गंभीर अध्ययनशील लोग ही संस्कृत वाला भाष्य देख पाते होंगे। यदि उसे आप खोजना चाहें, जैसा कि मैंने स्वाभाविक है मेरे रुचि थी तो प्रयास किया, उसको सहज भाव से खोज कर यदि हम में कहीं से वो साधन सामर्थ्य धन जुटा भी लें तो खरीदने के लिए वो ग्रंथ उपलब्ध भी सरलता से नहीं होगा। अब आपके समय में तो सरल हो गया कि सब कुछ आपको मिल जाता है, हम लोगों के लिए पुस्तक ही खोजनी पड़ती थी, कठिन होता था, बड़ी कठिनाई से ये सब कहीं कहीं सुलभ हो सका। तो जो मैं कह रहा था मुख्य बात यही थी कि अनंता वै वेदा किसी भी वेद मंत्र के सभी अर्थ विस्तार पूर्वक जैसे हम आपसे चर्चा करते हैं ये सब कुछ लिख कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जो हमसे पहले हुए उस समय तकनीक की दृष्टि से इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, दयानंद जी के लिए कार्य करना हमारी तुलना में बहुत कठिन था। मैं कहता हूं यदि आज की आधुनिक तकनीकी सुविधाएं न होती तो मैं इतना कार्य नहीं कर पाता। इसको दूसरे रूप में कहना, या दयानंद जी को ये सुविधाएं उपलब्ध होती तो इससे कई गुना कार्य कर लेते, और जिन्होंने उनसे पहले कार्य किया उस समय तो इतनी सुविधा भी नहीं थी। दयानंद जी के समय में कम से कम छपने की सुविधा तो हो गई थी, उससे पहले तो हाथ से ही प्रतिलिपियां तैयार की जाती थी। एक ने लिख दिया और उसी को देख देख करके दूसरा कोई लिख रहा है, उसको देख करके फिर कोई तीसरा लिख रहा है, एक एक प्रति एक एक व्यक्ति पुनः हाथ से लिखता था। इस तरह से सहस्रों वर्षों से हमने इन ग्रंथों को सुरक्षित रखा और प्रचारित प्रसारित किया। तो ये कभी अपेक्षा न करें कि कोई भी प्राचीन विद्वान वेद के उन सभी अर्थों को भाष्य में लिख गया होगा ये संभव हो जितना वो स्वयं जानता था या चाहता था। तो इसको ध्यान में रखें कि कोई भी विद्वान वो सभी अर्थ जो वो जानता था, जो उसे ठीक लगते थे, जो बताना चाहता था, नहीं लिख सका। कोई वेद भाष्य प्रकाशित नहीं हो सका जिसमें सभी मंत्रों के आध्यात्मिक, आज दैविक, आज भौतिक अर्थ लिखे गए हो। सब विद्वान मानते हैं त्रिविध अर्थ प्रक्रिया को, लेकिन संपूर्ण त्रिविध अर्थ प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक मंत्र के ये तीनों प्रकार के अर्थ लिखे गए हो ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। हो सकता है आपकी तकनीक विकसित होती जाए तो भविष्य में आप लोग इसे संभव कर ले जाएं, अवश्य प्रयास करें, होना चाहिए, अब तक नहीं हुआ है। ये कहने का हमारा उद्देश्य है, यही कह के मैं आपकी अपनी इस चर्चा को विराम दूंगा कि कभी भी ऐसा न सोचें कि कोई भी विद्वान कितना भी महान हो हमारे लिए वो पूज्य प्रातः स्मरण तो हो सकता है, लेकिन कभी ये न सोचें कि जितना उसने लिख दिया है वो अंतिम है या वही उसकी सीमा है, यत्ता है, नहीं। उन्होंने केवल हमको दिशा दिखाई है, उस दिशा पर आगे बढ़कर हमें अधिक से अधिक करने का और अधिक उसे प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए। यही उन महान विद्वानों, अपने गुरुजनों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। यही ऋष ऋण है जो हमें उतारना है, ये हमारा कर्तव्य है। चलो कहते हैं ये अधिकार है आपको, अधिकार तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं ये अधिकार नहीं है हमारा, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, ये हम सबका दायित्व है, ये ऋण है हमारे ऊपर कि उनके कार्य को हम आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक विस्तार दें। इसी के साथ हम आज के इस चर्चा को विराम देंगे। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खम खम।
जी, जिसको जो कुछ भी कहना हो आप कह सकते हैं, बताएं। हाँ भाई, किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रखें, और न हो तो पुलकित जी समापन की ओर बढ़ें। पाठ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा उचित समझें, संचालक देखें। ओम जी, किसी का प्रश्न तो पूछ लीजिए, अभी समय है तो पाठ कर लेंगे। हाँ भाई धीरज जी, आप हैं, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए चलो पुलकित, देखो जो भी है पाठ करना है या समापन करना है। चरत स्वार्थे अन्यान्य भवति स्वधावान् शुक्रो अन्यस्याम ददुषे सुवर्चा। मंत्रार्थ द्वे मंत्रार्थ तो जी आगे करते रहिए। हाँ भाई विदुषी पढ़ो। विदुषी हैं कि नहीं, इसमें तो दिख रहा है। हाँ तो वो तो पढ़ो भाई। तब तक कोई नहीं कीजिए। महानंद प्रथमो धाय धात्रिभिः भूतानि यम आत्मवानो दृगवो गुरुरुचो वनेषु चित्रं विश्व विभ्रम विषे विषे। त्रीणि शता त्रिसहस्राणि अग्निम् त्रिंशत् च ते वा नौ च अस्पर्यन् औक्षन् घृतैः अस्त्रिणन् बर्हि अस्मै आतित् होतारं नि असाधयन्त। यजानो मित्रा वरुणा यजा देवाना ऋतम बृहत अग्ने यति स्वं ददम ओम खम्रम। ॐ द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्याया वत्सम् उपधापयेते हरिः अन्यस्यां भवति स्वधावान् शुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्षः। बुद्धि आठवां मंत्र पढ़ो। ये पूरा सूक्त क्रम से करते थे ना पहले, वैसे ही आठवां मंत्र है मूर्धानम, वो पढ़ो। ठीक है, जिसको भी पढ़ना है पढ़ दें आगे, कोई बात नहीं।
ॐ मूर्धानं दिवो अर्थिं प्रतिभा विश्वानरं ऋते आजातं अग्निं कविं सम्राजं अतिथिं जनानाम् आसन आपात्रम जनयंत देवा। जी तो अब समापन भी कर देता हूँ, किसी का प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। जी ठीक है, तो मैं समापन करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। ॐ यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ॐ यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे स्पेयर कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम।